तो ओके गुरु लोग, इंडियन सिनेमा में पीरियड ड्रामा मूवी की बात की जाए तो बाहुबली 2 सबसे टॉप पे आता है। ये मूवी बना था 250 करोड़ में और इस मूवी ने 2500 करोड़ कमाए। भाई साहब, इसमें प्रभास को जो स्टारडम मिला है ना, शायद ही किसी एक्टर को किसी मूवी से इतना बड़ा अचीवमेंट मिला होगा। तो ऐसे ही 350 करोड़ में सूर्या की एक पीरियड ड्रामा मूवी आने वाली है जिसका टीजर सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगुआ मूवी के बारे में। तो भाई लोग, कंगुआ मूवी जो है 11 अप्रैल 2024 को रिलीज़ होने वाली है, जो कि फिक्स हो चुका है। ये रिलीज़ होगी भाई, पोस्टपोन वगैरह नहीं होगी, क्योंकि सूर्या ने भी अपना शूट ख़त्म कर दिया है, उन्होंने ऐसा अपडेट दे दिया है। तो कंगुआ मूवी में सूर्या के साथ बॉबी देओल और दिशा पाटनी भी नज़र आने वाली हैं, जिसमें से रिसेंटली बॉबी देओल के लुक को भी रिवील किया गया था, जो कि काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहा है भाई। लॉर्ड बॉबी एक और ख़तरनाक किरदार करते हुए हमें दिखाई देने वाले। हम टीज़र पर बात करें, उससे पहले मूवी की ऊपर से स्टोरी समझ लेते हैं। जहां बताया जा रहा है कंगुआ मूवी जो है वो 1000 साल पहले की कहानी होगी, जिसमें सूर्या हमें अलग अलग लुक में दिखाई देंगी। मतलब ऐसा बताया जा रहा है भाई कि कंगुआ मूवी जो है वो 9वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक के टाइम पीरियड को अपनी मूवी में दिखाएंगी। भाई एंटरटेनमेंट का फुल ऑन धमाल होने वाला है, क्योंकि इसमें एक्शन ऐसा ऐसा होगा। वहीं इस मूवी का बजट जो है 350 करोड़ बताया जा रहा है। टीजर आया था उसकी स्टार्टिंग को देख लें तो भाई साहब, एक जंगल से स्टार्टिंग सीन शुरू होता है, उसके बाद क्या दिखाई देता है, इतना ज्यादा वायलेंस, एक्शन ही एक्शन भाई, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। और हथियार देख लो आप, इस टीजर में जितने भी हथियार दिखाए गए हैं वो किसी न किसी जानवर की हड्डी से बने हुए हैं, या फिर आपको पता ही है कि पिछले समय में, यानी कि पहले जो युद्ध लड़े जाते थे उसमें कैसा हथियार इस्तेमाल होता था, उसी तरीके का इस्तेमाल इसमें भी हो रहा है। कोई भी मॉडर्न चीजें आप इस टीजर में देख नहीं पाओगे। लेकिन बात वहीं पे रुक जाती है जब ये पोस्टर आया। इसमें सूर्या एक लुक में तो वो पुराने वाले अवतार में दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही में एक मॉडर्न लुक में भी दिखाई दे रहे हैं। तो मूवी कहीं ना कहीं दो टाइमलाइन में सेट होने वाली है। वापस से टीजर पे आ जाते हैं। इतना ज़्यादा मार काट मचने के बाद जब सूर्या का लुक रिवील होता है ना इस टीजर में, क्या ही खतरनाक, बिल्कुल गूस बम्स वाला सीन है भाई वो। एक और चीज़, जब सूर्या का इंट्रोडक्शन होता है तो भाई साहब, सूर्या के बॉडी में से काफ़ी चीज़ें हम नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि सूर्या बहुत सारे जानवरों के दांतों से बना एक माला टाइप का पहने हुए हैं। वहीं उनके हाथों में काफ़ी सारे निशान हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जब किसी भी जानवर को मारते हैं तो वो अपने हाथ पर ये निशान बनाते हैं, जो कि अफ्रीकन कल्चर को भी बताता है। यानी कि अफ्रीकन योद्धा जब किसी को मारते थे तो अपने हाथ में ऐसे निशान बनाते थे। इसके अगले सीन में सूर्या एक खतरनाक लुक देते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ टीजर का अंत होता है। और टीजर का एक और प्लस पॉइंट बताया जाए तो भाई साहब, इसका बीजीएम मूवी को उठा के ले जाएगा भाई। मतलब समझ लो, पूरा मूवी बीजीएम ही कैरी करने वाला है।